हमारे देश के मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए इस बजट में क्या कुछ खास रहा? वेल, मेरे ख्याल से इनकम टैक्स को लेकर अभी कोई बहुत ज्यादा बात नहीं करी है, इसके लिए आपको जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक मिडिल क्लास के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, जहां उन्होंने एक फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करी है 100 यूनिट्स तक के लिए, वो एक इम्पॉर्टेंट बात करी है। और इसके अलावा उन्होंने एजुकेशन को लेकर और मदर एंड चाइल्ड केयर को लेकर, जहां एक फ्री हॉस्पिटलाइजेशन और काफी सारे वैक्सीनेशन को लेकर बात करी है, आई थिंक मेरे ख्याल से ये मिडिल क्लास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, जहां एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों को लेकर जो एक मिडिल क्लास परेशान रहता है, उन चीजों पे उन्होंने फोकस किया है। और इस इंटरिम बजट को एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं, एक फुल फ्लेज्ड बजट की तरह देखा है। और उन्होंने ये क्लियर कट कर दिया है कि इस सोसाइटी को, इस कंट्री को मूव करने के लिए सारे वर्क की जरूरत है, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो निर्यात हो इन द फॉर्म ऑफ FDIs एंड FIIs, तो ये सब लोग आएंगे, ये सब लोग जोड़ेंगे, तभी एक विकसित भारत का हम एक आशा कर सकते हैं।